तो फ्रेंड अब इसका क्लच कवर खोलने के लिए हमको प्रोसेसिंग जो है यानी कि ये बोर्ड हमें खोलना है 8 नंबर के, यानी कि कितने बोल्ड हैं इसमें क्लच कवर के, जो बोल्ड है फ्रेंड क्लच कवर के बोल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 बोल्ड इसके क्लच कवर के बोल्ड है और 8 नंबर के बोल्ड। इसका ये जो है क्लच कवर निकल चुका है, थोड़ा दिक्कत से निकल रहा है ये, पर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो देख रहे हो फ्रेंड के इसका अब ये क्लच कवर निकल चुका है, और क्लच कवर निकालते हमें इस ठेसी का आपको ध्यान रखना है, ये जो ठेसी है ये ठेसी हमेशा गिर जाती है और मिलती नहीं है। तो फ्रेंड इस बात का आपको ध्यान रखना कि ये बहुत हिसाब से निकाल रहा है आपको क्लच कवर, और क्लच कवर के जितने भी पार्ट होते हैं फ्रेंड आप क्लच कवर के खोल के जितने भी पार्ट्स हैं वो आप इसमें क्लच कवर में ही करते रहना, ठीक है फ्रेंड। तो अब हमें इसके जो क्लच सिस्टम खोलना है, तो अब हमको ये 4 जो बोल्ट हैं ये बोल्ट उतार रहे हैं यानी कि बोल्ट निकालने हैं, और इसके नीचे एक चिकनाट बोल्ट होता है वो खोलना, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको बोल्ट अलग करते हैं, तो फ्रेंड ऐसे ही नहीं खोलेंगे जब तक ये ठोकरे नहीं पड़ेंगे, जब तक ये बोल्ट खुल नहीं सकते। तो फ्रेंड इसके लिए हमको चाहिए एक बिट, फ्रेंड अब हम इसके पेज ये इस हिसाब से खोलते हैं। हमें अगर प्लेट निकालनी होती है तो साइड से हम प्लेट निकालते हैं, देख रहे हो आपको जब कभी भी आप अगर क्लच प्लेट निकाल दो तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कटोरी वाशर है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मिलती नहीं है, ठीक है। पहली बात ये कटोरी वाशर ये घूमे नहीं, इस बात का हम ध्यान रखना है कि इस कोई सी बाइक अगर खोलते हो आप तो ध्यान रखना है इस बात का, यानी कि होनी चाहिए। और ये ऊपर से कट वाशर जो होती है, यानी कि 2 कट वाशर होती है और 1 सिम वाशर होती है, यानी कि ये हो गई 2 कट वाशर, ठीक है। ये प्लेट के सेंटर के नीचे लगी रहती है, और ये हो गए सिम वाशर, ठीक है फ्रेंड। ये हो गए सिम वाशर, सिम वाशर का आपको ध्यान रखना है, आगे और कुछ नहीं है, ठीक है। इसकी जो प्लेटें हैं फ्रेंड देख रहे हो, आपके प्लेटें काफी बेकार हैं फिलहाल, और प्लेटें तो नहीं पड़ती पड़ जाएंगी क्योंकि जब इसका इंजन काम हो रहा है तो प्लेटें नहीं पड़ेंगी पड़ेंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इनके सफाई टाइम रहेंगे, ठीक है। ये रहे इसका क्लच होजिंग, यहाँ पर आपको प्ले देखनी है, फिलहाल इसका हल्के फुल्के यहाँ पर निशान है हमें, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और ना ही इसकी होजिंग खराब है। ये रहा इसका बुश, बुश का आपको ध्यान रखना है, अगर घूम जाए तो ही मिलता नहीं है, ओके फ्रेंड। ये रही इसके वाशर, वाशर जो एक बुश के पीछे पड़ती है। ये हुआ इसका हीरो होंडा का क्लच सिस्टम, सारा ओपन हो चुका है फ्रेंड, क्लच वाला सिस्टम, ये प्राइमरी गियर हुआ, ये भी ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। तो अब कुछ खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अब बात रही गियर साबर की, गियर साबर निकालते हैं इसका ऑयल पंप, ये रहा ऑयल पंप को निकालते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले निकालते हैं हम ऑयल पंप, ऑयल पंप के निकालते हैं 3 बोल्ट खोलते हैं, तो फ्रेंड ये इसके 3 बोल्ट खुल चुके हैं। और ये ऑयल पंप बाहर, ठीक है फ्रेंड। ऑयल पंप में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती, जब तक इंजन में कुछ कचरा वचरा नहीं होता, कुछ टूट फूट नहीं पड़ता, तब तक ऑयल पंप खराब भी नहीं होता, और इसका ऑयल पंप जो है
जो विल पंप की जो भौगोलिक फ्रेंड कैसे निकाली देखा, इस हिसाब से निकालते हैं, नहीं तो ये निकलती भी नहीं है। और जब कोई भी हम ऑयल पंप की गाड़ी चेंज करते हैं तो काफी सारी परेशानी होती है। अब हमको हम निकालते हैं गियर साबुत। गियर साबुत के लिए आपको ये एलंकी का बोर्ड खोलना पड़ेगा। एलंकी का बोर्ड जो है 5 नंबर की एलंकी से उस बोर्ड को खोलो। तो फ्रेंड देखो आप, ये क्लच कवर ओपन हो रहा है। फ्रेंड के बाद ये 10 नंबर का बोल्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो पिन है आप पिनों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये 10 नंबर के बोल्ट के नीचे एक ये होती है पत्ती गियर वाली और एक ये वाशर सिम होती है। ठीक है, ये यहाँ पर इस हिसाब से लगी रहती है और ये बोल्ट यहाँ पे इस हिसाब से। तो फ्रेंड देख रहे हो गियर सापट जो गियर डालती है वो इस पिनों से डालती है। जो पिन चेंजर में फंसे हुए हैं ना गियर चेंजर में, ये इस हिसाब से गियर पड़ते हैं। देख रहे हो आप, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट गियर सापट निकालता हूँ। तो फ्रेंड ये रही इसी गियर सापट। गियर सापट में इसमें कुछ खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नॉट टेंशन। और अब निकालते हैं इसकी किक साफ्ट का स्प्रिंग। किक साफ्ट के स्प्रिंग में एक लॉक होता है यहाँ पर जो काफी स्मॉल लॉक होता है और ये दिक्कत से ही निकलता है, काफी एकदम आसान नहीं निकलता है। फ्रेंड ये निकल गया इसका लॉक। लॉक काफी दिक्कत से निकलता है, एकदम आसान नहीं होता है। तो इसमें थोड़ी कटपिट होती है वीडियो। फ्रेंड अब इसका स्प्रिंग निकालने के लिए हमको थोड़ा ये बाहर करना पड़ेगा और ये बाहर आगे के बाद प्रॉब्लम। ठीक है फ्रेंड, ये आ गया इसका स्प्रिंग सिस्टम बाहर। ठीक है, ये स्प्रिंग हो गया और ये डॉक हो गया है किक जो दिखता है इससे। और इस साइड कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑयल फिल्टर है इसको भी आप अच्छे से निकाल के क्लीन कर लें। देख रहे हो आप, ये इस तरह है ऑयल फिल्टर। फ्रेंड ही ऑयल फिल्टर इसमें देखा है, किसी मिस्त्री के कारनामे ये ऑयल फिल्टर खराब है बिल्कुल, यानी कि ऑयल फिल्टर की जो जाली वो फट चुकी है बिल्कुल। तो ठीक है फ्रेंड, इसमें कुछ सिस्टम यही है बस, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसको चैम्बर को अलग करते हैं, बाकी इंजन का काम होगा प्रॉपर। ओके फ्रेंड, फिर मिलता है नए वीडियो में।